Scenes like this have become increasingly common. This is a protest rally by families who have come together to protest the disappearance of two young students. In fact, if the camera goes here, you can see their images right here. Two young people, and you can see the posters here. You can see the posters that are demanding action from the government. Why the government is silent are asking all of these people. Now remember, this is a state where, since the strife erupted, 6,000 FIRs have been filed. And there are so many individual cases of heartbreak, tragedy, of missing people. This protest rally is to talk about two students who have gone missing. Let's speak to one of the protesters here. Yahan pe hamare saath Kavita ji hai. Ye jo Meera Paibi group है जो विमेन का ग्रुप है मैथी कम्युनिटी की उनकी लीडर है कविता जी नमस्ते मैं दिल्ली से आई हूं मेरा नाम बरखा है ये बताइए कि यहां पे जो रैली हो रही है ये दो बच्चे जो मिसिंग हैं इनके बारे में बताइए 6 तारीख से दो बच्चे ऐसे ही घूमने के लिए निकला था घर से ट्यूशन गया था पहले ट्यूशन के बाद दोनों मिलकर घूमने के लिए ऐसे ही गया था 6 तारीख की बात है 6 मई की बात तारीख में मई से में हम लोग गया था नहीं जून में जून का 6 तारीख से गया था ऐसे ही घूमने के लिए जो जगह वो लोग घूमने के लिए गए हैं वो जगह तो एकदम पीस जगह है वो लोग लड़ाई झगड़ा का जगह नहीं है वो लोग पहाड़ के एरिया तो है मगर वो लोग तो ऐसे ही घूमने के लिए ये जगह और ये भाई बहन थे कि दोस्त थे नहीं दोस्त है दोस्त है हाँ, दोस्त और आप कह रहे हैं कि अभी इनका कोई नामो निशान नहीं है हाँ नामो तो एक क्लू तो हम लोग को मिल गया था मतलब उसका लड़की की बाप लोग वो लोग ने गया था उधर वो जगह में वो लोग बच्चा लोग लॉस होने की जगह में जाकर हमने फुटेज निकाला था लमदांग नाम का एक जगह है उसमें लड़का का फ़ोन कुकी लोग ने यूज़ किया अभी भी हाँ हमने MEI वो डालने से वो मिसिंग पर्सन रिपोर्ट डाली तो आप इस तरफ देख सकते हैं पूरी पुलिस फोर्स तादाद में है और पीछे यू कैन सी दिस इज़ ऑफ़ कोर्स दिस इज़ अ कंप्लीट डिवीजन बिटवीन द टू कम्युनिटीज एंड द प्रोटेस्टर्स हियर आर ब्लेमिंग द कुकी कम्युनिटी दीज आर प्रोटेस्टर्स फ्रॉम द मेथी कम्युनिटी मैं कविता जी के पास वापस आती हूँ अभी आपको क्या डर है कि ये बच्चे कहाँ गए इनकी उम्र का एज का मालूम है कुछ हाँ 17 साल है दोनों 17 साल का है दोनों साल अभी इस साल को तुए पास किया था अच्छा हाँ दोनों अच्छा तो अभी अभी आपकी सरकार से आप लोग यहाँ मेमोरेंडम देने आए हैं सरकार से क्या डिमांड है नहीं पहले हम लोग गवर्नर भी मिल चुका है चीफ मिनिस्टर भी मिल चुका है और सिक्योरिटी एडवाइजर कुलदीप से भी मिल चुका है वो लोग को बताया था हम लोग ने ये बच्चा लॉस हो गया और हमारा एक क्लू मिला है हम लोग के लड़का का फ़ोन का यूज़ किया है लमदांग एरिया में नेरवांग में मिला है नेरवा की तवा नंबर भी हम लोग ने दिया है वो लोग ने खोज कर नहीं दिया हम लोग ने खोज कर दिया है ओ को हम लोग ने बताया था हमको सस्पेक्ट है ये दोनों बच्चा अभी नहीं रहा होगा आपको फीलिंग है कि बच्चे शायद जिंदा ना हो जिंदा ना हो हम लोग को एक्सपेक्ट है ऐसा एंड वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स ऑफ द टू मिसिंग चिल्ड्रन इज हियर विद अस ये फैमिली मेंबर हैं कविता जी आंटी हैं लड़की की आंटी हैं और आप बताइए कि आपको अभी भी होप है कि वो मिल जाएंगे बहुत अपसेट थी आंटी आप बता दीजिए वो क्या कह रही थी वो कह रही थी 6 तारीख से वो ट्यूशन में गया था वो लड़का वो लड़की डॉक्टर बनना चाहते हैं वो फैमिली का जो एस्पेक्ट था वो डॉक्टर बनेगा
हमारा घर का नाम रोशन करेगा, ऐसे ही सोचता रहा है। ये बहुत अच्छा लड़का है, लड़की है। और वो बता रहे हैं वो ट्यूशन के लिए गया है, ऐसे ही गए से कुकी लोग ने अरेस्ट किया है, कुकी लोग ने पकड़ कर रखा है, वही बता रहे हैं। फिर भी वो लोग ऐसे ही बच्चा, दोनों बच्चा जिंदा रहो, घर में वापस रहो, वही बोल रहा है अभी। और फिर भी वो लोग बोल रहा है कि अभी जिंदा हो, जिंदा होने से तो वापस आ जाओ, जो भी पकड़ा थे वो वापस भेज दो, ऐसा ही बोला था उसके अंतिम में। सो दिस इज अ वेरी डिप्रेसिंग thought here. All of these people that you see protesting here, they are suggesting that the two children who are missing, both who are 17 years old, you can see a lot of people holding their portraits up, and they are demanding action from government. And the women here are telling us that they are worried that the children may not be alive. There are multiple stories like this from the ground here in Manipur. As the state continues to be split along ethnic lines, there have been clashes between the Meitei and the Kuki community, and this is a protest. We'll show you the scenes here. This is a protest by families, by locals, asking for justice for their missing children.